मैं फिर से एक बार कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी को बाद हमारी संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राज्य की जो स्वीकार किया, इसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब साथी दल हृदय से सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए हम लालायित भी हैं। हम सब पंथ निरपेक्षता को स्वीकार करते हैं, किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार की इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान के ये स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं और मान्यवर मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अलग 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 पहचान करे, ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं, मान्यवर कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकता, तो बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता मान्यवर। लिबरल से लिबरल देश अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है मान्यवर, और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। जरूरत पड़ी है, जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी इसकी जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको सुनना पड़ेगा मान्यवर। इस देश का विभाजन मान्य आपका अंकित हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका अंकित हो रहा है न्यूरा होकर। मान्यवर आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है मान्यवर, इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने, हर जगह पे रहते। शायद हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो, कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मान्यवर हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं।